हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ लाहौरी मटन कढ़ाई। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। ये मैंने मटन लिया है 650 ग्राम, 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और 1 बड़े साइज की प्याज, 5 टेबलस्पून दही, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टी स्पून, जीरा लिया है मैंने, जीरे को और जीरा 1/2 टेबल स्पून लिया है और इसे ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया है, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और ये चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। हरी मिर्चें ली हैं 2, इन्हें भी बारीक काटा है और धनिया पत्ती 2 टेबल स्पून, धनिया लिया था इसे भी ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया है, 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुकर में मैंने मीट डाल लिया है, अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये जो प्याज और टमाटर लिए थे ये सब इसमें ऐड करेंगे। पहले हमें इसे इसी तरह से कुक करना है, उसके बाद हम इसके मसाला बनाएंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, और इसमें हम रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर इन्हें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें मैं इसे 3 विसल दूंगी और इसे 90% तक हमें कुक कर लेना है, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें अगर आपको लगे कि आपको पानी डालना है थोड़ा सा तो डाल दें, वैसे इसमें पानी मीट का और टमाटर का होगा इसलिए इसी में ये कुक हो जाएगा। आइए इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। इसमें 3 सीटी दूंगी और उसके बाद जब इसकी स्टीम निकल जाएगी ओपन करते हैं। इसे 90% तक हमें गला लेना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। देखिए इसमें मैंने 3 विसल दी थी और उसके बाद इसकी स्टीम में ही इसे छोड़ दिया था। अब इसे हम दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गोश्त भी रेडी हो गया है, अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। ये मैंने ऑयल लिया है 1/3 कप, आपको जितना पसंद हो आप उतना ले लें, अगर कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम करें। और साथ ही मैंने इसमें ये बटर लिया है 1 टेबल स्पून तक। इसमें बटर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसमें जो मीट हमने कुकर में पकाया था फिर उसे इसमें ऐड कर देंगे। मैं उसे ऐड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें जो मटन था इसे ऐड कर दिया है, इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, ये मीट का और टमाटर का ही पानी है। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे और भून लेंगे। जब ये भुनने लगेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा जो मटन है ये अच्छे से 90% तक कुक हो गया, मैंने चेक करा था। अब इसमें जो बाकी है इसी तरह से इसमें गल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मीट हमने रखा था पकने ये अच्छे से भुनने लगा है, अभी इस पर भुन रहा है, इस पर ऑयल आने लगा है और आप इसे जितना अच्छे से भून लेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम बाकी के मसाले भी इसमें ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे अपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में मेरे रेसिपीज़ ट्राई भी ज़रूर करें। देखिए अभी भुन रहा है, अभी इसे टाइम लगेगा, मैं दिखाती हूँ फिर आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भुन गया है और इसमें जो प्याज और टमाटर डाले थे वो भी बिल्कुल मिक्स हो गए इसमें। अब हम बाकी के मसाले भी ऐड करके इसे भून लेंगे। ये मैंने जीरा लिया था जो ड्राई रोस्ट करा और ब्लैक पेपर पाउडर वो डाल दिया है, धनिया ड्राई रोस्ट, कुटी लाल मिर्च, इन सबको ऐड करके इसे भी अच्छे से भून लेंगे। चिकन मटन जितना भी अच्छे से आप भून लेंगे उतना ही टेस्टी रहता है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो रहा है।
दही रह गया है, ये अच्छे से भून लिया, फिर मैं इसमें दही भी ऐड करती हूँ। जो 10% रह गया था गलने को वो भी इसी तरह से गल जाएगा, पर अभी भी ये इतना पक्का है, दही डालने के बाद भी ये इसी तरह से पकेगा। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम दही डाल देते हैं। दही लिया था मैंने 5 टेबल स्पून, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से बीट कर लिया है। अगर पानी मिला के इसे बीट कर लें और जब आप किसी भी मिल्क में या किसी में डालेंगे भूनने के लिए तो ये फटता नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे भी हमें भूनना है। मैंने इस फ्लेम भी स्लो कर दी थी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स दही डालने के बाद ये अच्छे से कुक होने लगा है, इसे थोड़ी देर पकाएंगे जिससे कि दही की स्मेल चली जाए और ये साथ में भुन भी जाएगा। इसे थोड़ी देर पका लेते हैं 5 मिनट तक, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स तैयार है बिल्कुल ये लाहौरी मटन कढ़ाई, ये अच्छे से मैंने पका ली। इसे आप और भूनना चाहें तो और भून लें। इसमें मैंने आपको गरम मसाला भी बताया था, गरम मसाला और ऐड करेंगे। मैंने ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, इसे ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लें इसे भी। फ्रेंड्स वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा करें क्योंकि कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया तो टेस्ट नहीं आता है उतना ग्रेवी में, तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अब मैं साथ में इसमें हरी मिर्चें जो ली थी उन्हें ऐड कर दूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है चिलीज़ काफ़ी है या थोड़ा सा धनिया पत्ती, अगर आपको लगता है कि चिलीज़ आपके ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है, तो आप इसमें से जो मैंने मसाले बताए हैं उसमें उसकी क्वांटिटी कम कर दें। मसालों को स्किप ना करें बिल्कुल से, उसकी क्वांटिटी आप थोड़ा कम कर दें क्योंकि हर एक मसाले का अपना एक अलग टेस्ट होता है, तो इसलिए आप मसाले सब ऐड करें बस क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। देखिए ये बिल्कुल तैयार है, अब मैं आपको इसमें डिश में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स तैयार है लाहौरी मटन कढ़ाई, आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंजॉय करें लाहौरी मटन कढ़ाई विद शीबाज़ किचन। थैंक यू।